देखते हैं महेश्वर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ओम देव देवताभ्यो नमः। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी, दीप प्रज्वलन के बाद कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों का, क्योंकि आप जानते हैं नवरात्रि का त्योहार बेटियों की अगर बात करें नारी शक्ति के सम्मान में है, और कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन बेटियों के जीवन को एक संकल्प रूपेण संस्थिताम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय। वाकई में ये संकल्प इरादा और इच्छा शक्ति है, नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिन्होंने लोक माता अहिल्याबाई की उस विरासत को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में विजयदशमी पे शस्त्र पूजन की ऐतिहासिक परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय श्री गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक विधान क्षेत्र सभा क्षेत्र महेश्वर, माननीय राजेश सिंह राठौर जी, माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय सचिन बिड़ला जी और समस्त जनप्रतिनिधि, यह मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नेतृत्व महादेवी अहिल्या की इस पावन पुनीत धरती महेश्वर आज दशहरे के पावन अवसर पे दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पे एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। बाबा महाकाल के परम भक्त, मध्य प्रदेश के विकास की जिन्होंने दीप जलाई है, और अब कार्यक्रम की अगली भर्गो देवस्य और सबसे परम आज का सौभाग्य हम सबका शस्त्र पूजन के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक। शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना, यह स्मरण करती है कि शक्ति का सही उपयोग हो। देवा भद्रम पश्येमाक्षभ्रजयत्रा स्थिरैरंगे सुष्टुवाग्वंसस्तनु विहसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। संकल्प धारण करेंगे। सभी पूरे प्रदेश की ओर से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि रूप में शस्त्र पूजन कर रहे हैं, आप हम सब उसमें सहभागी बने। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञायाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बुदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते नीमाड़ क्षेत्रे महेश्वर पुण्यतीर्थस्थले मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्लपक्षे विजयादशमी तिथोः शनिवासरे। अपना अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नः अपना नाम। अमुक नाम हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्मकल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मे प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम् दुर्गा पूजन विजयादशमी पर्वणि समाजे स्वांतःकरणे च सद्वृत्तीनां समारोपणे तदभिनंदन सहकारयोश्च निमित्तकं शस्त्र पूजन संकल्पं अहं करिष्ये।
चंदन धारण करें। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। रक्षासूत्रम्। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्ध ऋषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो द्वारिष्ठं यज्ञग्वं समीमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। दीप पूजनम। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। विवेक के प्रतीक विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश जी का आह्वान। ओम अभिप्सितार्थ सिद्धार्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा जगज्जननी जगदम्बा का आह्वान करें। जो संगठन की देवी हैं संघ शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा का आह्वान। ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी ताहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। शस्त्र शक्ति आवाहनम। शस्त्र शक्ति का आह्वान करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शत्रुषाणि षाडभिमाच्छिदासतो गवेषणः सहमान उद्भितः वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं सांग्राम जित्या येषमुद्वदेह। शस्त्र का पूजन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततम् नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदै भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूरार्तिकम समर्पयामि शीतलीकरणम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शस्त्र प्रणाम। शस्त्र को नमस्कार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सनातन परंपरा में शास्त्र के साथ शस्त्र का भी पूजन होता है। शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो देश
धर्म नीति की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, इस भाव के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूजन क्रम संपन्न कर रहे हैं। बहुत ही गौरवमय बल शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हाँ जी, गायत्री परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। इसी तरह आप प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करते रहें, खूब कल्याण हो ऐसे भाव से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिहे। बहुत ही सुंदर और हमारे धर्म संस्कृति और इस विरासत शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना। यह स्मरण करती है शक्ति का सही उपयोग हो सच्ची विजय को प्राप्त करने में सहायक होती है। नैतिकता और धर्म का पालन, एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक आज जो निर्णय है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजा जो नैतिकता और धर्म का पालन, यह पूजा धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह संदेश देती है कि युद्ध और शस्त्र केवल अपनी रक्षा के लिए और धर्म के लिए उठाया जाना चाहिए। एक बार महेश्वर के संपूर्ण जनता जोरदार दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया लोक माता देवी अहिल्या की उस परंपरागत विरासत मध्य प्रदेश की और उस पावन भूमि से शस्त्र पूजा के माध्यम से अपने धर्म और आस्था के उस संपूर्ण एक विरासत का संदेश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी नेतृत्व है लोक माता देवी अहिल्या बाई के 300वें जयंती पर आज दशहरा का पावन पर्व समूचा प्रदेश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और जिस शस्त्र पूजा के साथ प्रदेश में खुशहाली एक समृद्धि की सोच के साथ, अब मैं आदर पूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि अपने मुख्य मंच पे अपने यथा स्थान और हमारी एक सनातनी और खूबसूरत परंपरा रही है अतिथि स्वागत की। अतिथि स्वागत के इस क्रम को हम शुरुआत करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि आज महेश्वर के इस पावन धरती पे एक बड़े सशक्त निर्णय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद खरगोन बड़वानी, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र पटेल जी से कि आप आए और यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। महेश्वर एक इच्छा शक्ति का नाम है। इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राजकुमार मेव जी से, माननीय विधायक विधानसभा महेश्वर, आदरणीय राजकुमार जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें माननीय राजकुमार जी। इस श्रृंखला में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर, माननीय यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में श्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय से आग्रह कि आप आए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री सचिन बिरला जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़वा, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बड़े ही गौरवमयी पल हम सब के लिए, सचिन बिरला जी से आग्रह। और इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए समस्त जन प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्प माला से स्वागत करेंगे। हमारे एक एक जन प्रतिनिधि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए और आप सबकी तालियां उसमें सहभागी बने। एक एक प्रदेश के जनता के उत्थान, उन्नयन, प्रगति और संकल्प के साथ बाबा महाकाल की पावन धरती से यशस्वी नेतृत्व हमें मिले हैं। आग्रह करूंगा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त जन प्रतिनिधि स्वागत करें। महेश्वर के एक एक जनता जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह प्रकट करें इस ऐतिहासिक पलों के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत पगड़ी पहना करके स्वागत के लिए, बड़ी ही खुशी के क्षण, परंपरागत पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे जनप्रतिनिधि से, आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय राजकुमार मेव जी से कि एक
हमारी यहाँ की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत है इस महेश्वर की, वो उस विरासत की एक संकेत। एक बार तालियां बजाएं आप सब, परंपरागत पगड़ी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर मुस्कान, जनता के लिए सौहार्द और विकास के एक लौ जला रहे हैं अपने नेतृत्व से। और इस श्रृंखला में केवट समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का और देवी अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की गई। और इस श्रृंखला में मैं केवट समाज से आग्रह करूंगा हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। इस श्रृंखला में बुनकर समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए बुनकर समाज के हमारे पदाधिकारियों से समी जी और उनसे आग्रह। ये बड़ी ही कर्मठता के साथ, आप जानते हैं महेश्वरी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये महेश्वर की परंपरागत बुनकर समाज का अपने कीर्ति रही है और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए ये बड़ी ही गौरवमयी पल है आज हमारे प्रदेश के लिए। माननीय अब इस श्रृंखला में आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को तीर कमान भेंट करें, जो हमारे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को, हमारे उस शौर्य, हमारे उस कर्मठता का परिचायक तीर कमान शस्त्र पूजन का ऐतिहासिक क्षण है। तालियां बजाकर बताएं महेश्वर कि हमारे जननायक ने कितना बड़ा निर्णय लिया है, हम आत्मरक्षा के लिए हमारी सनातनी परंपरा का एक घोतक परिचायक के तौर पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और अब तीर कमान के साथ एक संदेश हमारा ये महेश्वर से संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए, और अब आग्रह प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी जन नेताओं के स्वागत के लिए माननीय श्रीमान जिला न्यायाधीश बात करें जिलाधीश महोदय, आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय सीओ सर से आग्रह है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप यथास्थान लेकर बाकी लोग प्रथम पंक्ति सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें।